यो गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आपने जिस थंबनेल देखा तो आपको वीडियो के बारे में पता चल ही गया क्या ये वीडियो में होगा क्या। सो आज ये हिना मैडम मुझे क्या बनेगी आज इसको मैं दूल्हा बनाऊंगी, इसकी दुल्हन इसका वेट कर रही है। नहीं, इसको मैं बोला हूं कि मेंस मेकअप ही करना और ज्यादा कुछ करना मत, मुझे नहीं पसंद मेकअप। तो इसके मन की शांति के लिए मैं थोड़ा सा करने दे रहा हूं और ये मेरा आज पूरा मेकओवर करेगी मुझे संतरे से। ये पता नहीं इसका डायलॉग का मतलब क्या है। देखूंगी इसका शेड पहले बनाना पड़ेगा मुझे। ये इसका शेड है नहीं मेरे पास। मेकअप आर्टिस्ट सोल बना लूंगी। मेरे पास कंटूर के लिए भी है कंसीलर जो डार्क है एकदम, इसकी स्किन टोन से भी डार्क है तो वो मैं मेरे से मिक्स करके शेड बना सकती हूं आसानी से। और हेयर स्टाइल भी करेंगे देखते हैं। मैं हेयर स्टाइल को इस्तेमाल करती हूँ। मैं आज कुछ नहीं किया बाल पे नीचे, आज ये सब करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले सब्सक्राइब कर देना। हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग एंटरटेन करने के लिए। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा कमेंट करें। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि हम आगे जाके और अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे और इम्प्रूव होगी हमारे वीडियो। अगर आप लाइक करोगे, आपका प्यार दिखाओगे तभी तो हमें पता चलेगा, तभी तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। वो भी है। सो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और आपको बता दूं कि मैं इसका फेस ही कवर करूंगी। मेरा फेस अभी नहीं आएगा शायद क्योंकि इसका क्लोजअप लेना पड़ेगा ताकि आप लोग भी देख सको मैं क्या क्या यूज कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ इसके ऊपर। सो फिर मेरा फेस नहीं आएगा। अगर ये मुझे कोई एंगल से लड़की टाइप में बनाए ये वीडियो अपलोड नहीं होगा। सो ट्राई योर लक। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको लड़की बनाऊं नेक्स्ट वीडियो में तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसका लड़की वाला मेकअप करूंगी। यस सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो सबसे पहले हम ये तो मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है जो इसको लगाना पड़ेगा खुद। हाँ नहीं तो ये जमेगा नहीं तुझे। देखो मेकअप करिए फिर भी इतना बस। अरे तू लगा तो सही पहले, फिर बहुत ग्रीसी हो जाता है। करता हूँ कि मेरे मुंह पे पिंपल्स ना आए इसके बाद, फिर मैं इसको छोड़ना नहीं। साथ में प्राइमर लगा रही हूँ, कलर बार का है प्राइमर। ये बहुत बार मैंने यूज किया हूँ और ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए इसकी स्किन पे अच्छे से बैठ जाएगा। ये किस लिए यूज होता? प्राइमर मेकअप लगाने से पहले कि मेकअप अपने स्किन के अंदर ना जाए। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अरे इधर डर क्यों रहा है? वो क्या है ना, मैं फर्स्ट टाइम मतलब मेकअप लगवा रहा हूँ। कुछ जल रहा है क्या? जल रहा है तो मैंने कुछ लगाई थी कि उतना अभी से ही जल रहा है। देखो तो कुछ पता नहीं मुझे कौन सा हीरो बनाएगी। इतना हीरो मत बना दे फिर लड़की पीछे बनो। अच्छा है ना लड़की। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट मत करना। तेरे तो प्राइमर से ही फेस अच्छा हो गया। सब लग रहा कुछ लगाऊंगी। बोल रहा हूँ नेचुरली अच्छा लगता है। नहीं यो यो यो। फिर भी इसको शौक है मेरे को मेकअप करने का। देखो कोई मेरी फ्रेंड्स है नहीं जिसके ऊपर मैं मेकअप करूँ कि कोई मतलब, सामने आती नहीं मतलब है। मतलब बकरा मुझे बना तो अभी यही पागल है जो मेरा दोस्त है, अभी इसी पे ट्राई करूंगी ना। एक मेकअप से डर लगता है, जिम जॉब बॉडी बनाता है। जिम भी है। सो प्राइमर सेट हो चुका है, अभी इसका पोर्स के अंदर कोई भी मेकअप नहीं जाएगा। स्किन देख कितनी सॉफ्ट हो गई थी। और इसके बाद कल मेरा स्किन रफ ना हो जैसे। नहीं होगी। तो अभी मैंने देखी शेड्स बहुत सारे हैं, ये एले गर्ल कंसीलर में बहुत सारे शेड्स हैं मेरे पास अलग अलग टाइप के, बट इसका शेड बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा तो क्या सब चीज कस्टमाइज चाहिए ना।
तो इस कमेंट करना मेरा नेचुरल लुक अच्छा है कि मेकअप वाला। वैसे तो नेचुरल ही अच्छा। तो मुझे पता। सबसे पहले तो मैं इसको इसके डार्क सर्कल्स हाइड करूंगी। ये NYB का है कलर करेक्शन। ये ऑरेंज कंसीलर है जो सारे स्किन टोन पे मेंशन करता है। गाइस इसके बाद मैं आपको इसका मेकअप का खजाना दिखाऊंगा। एक डब्बा भर के कुछ नहीं है, बाकी सब मेरे ड्रेसिंग के लिए। मुझे तो गोरा मत बना, ठीक है ना? आजकल लड़कियों को टैन लड़के पसंद। टैन लड़के? टैन। तो ये लोग शूटिंग से पहले ये सब करते हैं? सब करवाते हैं, मॉडल लोग भी करवाते हैं। देखते मैं मॉडल ऑफ करूं नहीं लगेगा। इसके बाद फोटोशूट करूंगा। इस पे मैं ज्यादा इंस्टाग्राम पे अपलोड करूं, मैं कुछ भी ज्यादा नहीं लगा रही हूं। गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं इसका मेकअप करूं। नहीं, मुझे भूत नहीं बनना है। आप बिना सब्सक्राइब की वीडियो मत देखो, बहुत बुरी बात है। सब्सक्राइब कर दिया करो, क्या आता है? एक सेकंड का काम है, जस्ट क्लिक द बटन। कान में क्यों कर रही है? अरे अलग नहीं दिखना चाहिए, समझ रहा है? लड़कियों को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। कुछ लोग कमेंट करेंगे, मैम आप लड़के को टच कर रहे हो? आप देखिए इस चीज पे आवाज उठेगी। बड़े अजीब लोग हैं दुनिया में, दूसरे लोग की चीजों में टांग लड़ाने आ जाते हैं बिना वजह, जैसे उनकी लाइफ में मैं दखल दे दूं। पता नहीं वीडियो कितना लंबा बनेगा, आई डोंट नो। ट्राई करूंगा कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके शॉर्ट भी कर दूं। बातें कर रहे हैं इसलिए तो ज्यादा लॉन्ग होना चाहिए मेरे हिसाब से। वीडियो एंड तक देखना और लास्ट में बताना कि कैसा लग रहा हो मेरा लुक। कंटूर कर रही हूं मैं, इसके से फेस का शेप दिखना चाहिए अच्छे से, ऐसा नहीं लगना चाहिए क्या हुआ। दुनिया में सिर्फ लड़का लड़की ही तो रहते हैं, फिर बोलते लड़का ये नहीं कर सकता, लड़की ये नहीं कर सकती, या लड़का लड़की साथ में वीडियो नहीं बना सकते। तो आपकी प्रॉब्लम है।
कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रश है। मुझे तेरा आईब्रो बहुत पसंद, मुझे बहुत पसंद आ गया तेरा आईब्रो, इतना मस्त है। तो निकालती मैं ले लेती हूँ। तेरे ऑलरेडी सेट है, तो तुझे करके क्या करो, और डार्क लगेगा। ये नहीं कर रही हूँ, और ये जो पाउडर उसके ऊपर लगा होगा ना, वो निकल जाएगा। समझा? मैं अभी से बोल रही हूँ, जिस लोग को प्रॉब्लम है ना कि लड़का लड़की एक साथ वीडियो नहीं बना सकते, वो अभी ये वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। और जो लोग एंजॉय करते हैं, हम लोग उन लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। ये मुझ में मुझे बोले तो जो पाउडर होगा वो निकल जाएगा। अगर ये मेकअप सक्सेसफुल रहा तो हीना की बहन, बड़ी बहन की जब शादी होगी तब उसमें मेरी मेकअप ये करेगी। क्यों नहीं, एक दिन मैं मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकती हूँ। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है मेकअप आर्टिस्ट बनने। तभी क्यों कर रही है? मुझे शौक थी। वो मुझे तेरे आईब्रो चाहिए, नेचुरल लुक। अभी इसका हेयर डन करना है, मेकअप डन, देख लो अब है बाल। इसका नेचुरल लुक लग रहा है कि नहीं कमेंट में बताओ मुझे। बाल की बारी, चलो मेरे बाल का कीमती है, मैं किसी को टच करने नहीं देता, पर क्या करे। अब ये जो बेस्ट फ्रेंड है वो बोली तो अब देना ही पड़ेगा, ओके मेरे बाल जलाएगा। तो अब देखते हैं ये क्या करेगी मेरे को बालों के साथ। सॉरी, ये जो मेकअप क्यों मैं सब उठा लेती हूँ, नहीं तो ये मेरा मेकअप तोड़ दिया फिर। तो वे देख लो, ये है सबके बाल। हाँ देख लो, ये है इसका मेकअप बॉक्स। और ये मुझे मत बताना, इसका वीडियो बनाना है मुझे। ओ, वीडियो बनाना, सस्पेंस। What's in my makeup vanity box? ये इसका जेल लेके आया है। जेल नहीं है, वैक्स। हाँ वैक्स जो भी है, मेरे पास मेरा सेटिंग स्प्रे है, स्प्रे सब कुछ है। तो गाइस अब है बाल की बारी, तो अब इसमें मैं आधी कट रही हूँ, प्लीज डोंट माइंड। तो अभी चालू करेगी, तो स्टार्ट। सो इसके जो ये बाल है देखो, इसके ना बैंग बहुत अच्छे हैं, मुझे ऐसे हेयर चाहिए, पर मुझे मिलते नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई कट करने वाला नहीं है। अभी मैडम स्ट्रेट करेगी बाल, स्ट्रेटनर गरम हो चुका है। लगा
पे करेगी, मेरे को दिख नहीं रहा है क्या हुआ है। तो गाइस कमेंट करो, इसका लुक देख लो पहले फिर कमेंट करना, अच्छे से लुक देख लो। फाइनली मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है जो हिना मैडम ने किया, नेचुरल लुक। इसको डाउट था कि मैं लड़की ना बना दूं, क्योंकि बहुत एक्सटेंड तक बहुत सही है हेयर स्टाइल, भी सही है और बाल थोड़ा बड़ा इसलिए स्पाइक नहीं हुआ, फिर भी सेट। बस सिर्फ हेयर स्ट्रेटनिंग करने से इसकी थोड़ी सा वॉल्यूम हुआ है, बस उतना ही। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, देन लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना और बताना कि वीडियो कैसा लगा। सो आई होप पॉजिटिव कमेंट्स करना। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। तो ये था आज का वीडियो, फिर लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन आल्सो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।